हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। जस्ट आप लोगों से बात करने का मन किया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात कर ली जाए। जिनका एग्ज़ाम मई 24 में है उनको तो कहना ही क्या, बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो। और नवंबर 24 एंड ऑनवर्ड्स वालों का भी एग्ज़ाम अब दूर नहीं है, ठीक है ना। इनके लिए मैं ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगा, इनके लिए मैं मई 24 एग्ज़ाम्स के बाद बात करूँगा। आप जो क्लास रजिस्टर हैं, क्लास का जो रजिस्टर है, जो क्लास में कॉन्सेप्ट्स और प्लस सॉल्व क्वेश्चंस जो क्लास में कराए गए हैं, कॉन्सेप्ट्स और सॉल्व क्वेश्चंस को 5 टाइम्स आप कर लीजिए। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मई के बाद। बस अभी आपसे इतना ही बात करना है मई 24। वेरी वेरी गुड। तो आप समझ पा रहे कि पहला एग्ज़ाम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं आपको एबीसी एनालिसिस भी बताऊंगा, एबीसी एनालिसिस भी आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। बट अभी जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो क्लास का रजिस्टर है, क्लास का रजिस्टर है, उसे आपको बहुत अच्छे से करना है। 5 थ्योरी चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। फॉर्मूला बुक आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। क्लास रजिस्टर, 5 थ्योरी चैप्टर्स और फॉर्मूला बुक। मैं आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। मई एग्ज़ाम के तुरंत बाद उसी दिन इवनिंग में मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ, 100% कवरेज फ्रॉम दिस क्लास रजिस्टर 5। बस कुछ मत कीजिए, कोई नई चीज़ मत कीजिए। ये नहीं कराया सर ने, वो नहीं कराया सर ने, मेरे फ्रेंड ने ये किया, मेरे फ्रेंड ने वो किया। आपको अगर मेरे पे जरा सा भी विश्वास है, आप ये वाला पहले कर लीजिए। कुछ मत देखिए, कुछ भी मत देखिए। अगर आप ये कर लेंगे तो बस आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, ठीक है ना। सी में मैं कहूँगा अनसॉल्व क्वेश्चंस, जो मेरे बुक में अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसे भी कर ले, क्योंकि हम 100% मार्क्स का टारगेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा थ्योरी। कुछ बच्चे कह रहे सर थ्योरी बुक में तो बहुत ज़्यादा है सर, उस हिसाब से तो हमने बहुत कम थ्योरी किया है। तो मैंने आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट 5 थ्योरी चैप्टर्स, जो प्योर थ्योरी चैप्टर से वही कराया है, इससे तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, लेकिन अदर से भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको एडिशनल एडिशनल थ्योरी भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। एडिशनल थ्योरी भी मैं आपको देने वाला हूँ, और ये मेरा बी एनालिसिस। और अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो मैंने आपको एक और दे दिया एडिशनल थ्योरी सी। मतलब मैं आपको, अगर आप टाइम है आपके पास, तो मैंने थ्योरी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, थ्योरी को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है, फाइन। उसके बाद आपको मैंने एमसीक्यू बुक भी दिया है, उसे आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। एमसीक्यू बुक उसको भी मैंने आपको दे दिया है, फाइन। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका ए क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो आप रिवीजन क्लास जो मैं दे रहा हूँ उसे भी आप कर सकते हैं, रिवीजन क्लास और मैराथन लेक्चर। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी रिवीजन क्लास पूरा नहीं आया है, टाइम लग रहा है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको जल्दी है तो आप ओल्ड लेक्चर से रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन क्लास में बहुत टाइम लग रहा है, लगेगा टाइम। इन दोनों को मैं आपको एग्ज़ाम से ठीक पहले तक ही दे पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है। अब आई डोंट नो, क्योंकि और भी बहुत सारा काम आ जाता है, आरटीपी एमटीपी वगैरह का, तो रिवीजन क्लास में टाइम लग रहा है। तो इसको आप डेफिनेटली, आपको एंड में ही मिल पाएगा। जैसे जैसे होगा हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, और आप उस हिसाब से अपना रिवीजन क्लास प्लान कर लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से कोई शेड्यूल अभी नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। आरटीपी एमटीपी 24, अगर आपका टाइम है तो आप ये भी देख लीजिएगा। आरटीपी एमटीपी मई 24 का आ चुका है, और ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लास रजिस्टर, ये 5 थ्योरी चैप्टर, फॉर्मूला बुक, ये वाला मेन है। इसके अलावा आपको अगर टाइम नहीं है तो कुछ मत देखिए, वीडियो बंद कर दीजिए बस, ठीक है ना। और नवंबर 24 के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फाइन। आप भी सुन लीजिए नवंबर 24 वाले के, आपको भी मैं लगभग यही बात कहने वाला हूँ। पार्ट बी एमसीक्यू बुक छोटा सा है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। एडिशनल थ्योरी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, क्या पता एमसीक्यू के क्वेश्चन आ जाएं उससे,
और MTP 2024 अनसॉल्व क्वेश्चंस, एडिशनल थ्योरी और थ्योरी है तो और थ्योरी मैंने सी कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है ना। तो तीन तरह का मैंने थ्योरी बना दिया, जैसे जैसे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो आप चाहें तो तीनों ही कर लीजिए, और रिवीजन और मैराथन लेक्चर, ये पूरा ये ए बी सी पूरा 100% देगा। हाँ, अगर आप सिर्फ ए करते हैं तो आपका 60% कहीं नहीं गया, एग्जामिशन 100% है, 100% एग्जामिशन है, ठीक है ना, 100% एग्जामिशन है। अगर ए और बी दोनों कर लिया तो ये, और ए बी और सी दोनों कर लिया तो 100 out of 100। लेकिन आप 100 के चक्कर में है ना कि 60 छोड़ दें, ठीक है। तो ए वाला पूरा कवर है अच्छा, तभी आप बी में जाइएगा, बी अच्छा कवर है तभी आप सी में जाइएगा। मैं अलग से इसका एक वीडियो भी बना दूंगा ए बी सी एनालिसिस का, ठीक है, फाइन, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट से अपना बात कर रहा हूँ। और नवंबर 24 वाले आपको तो सिर्फ ये करना है 5 times, और बाकी मैं आपसे मई के बाद बात करूँगा। ऑल दी बेस्ट, कोई भी क्वेरी हो आपका तो आप क्लास बाई एजे में अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का यूज़र आईडी है, ठीक है, टेलीग्राम यूज़र आईडी है क्लास बाई एजे, उसमें अपने क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में बने रहिएगा, कोई भी जो मैसेज आएगा वो ग्रुप में आएगा। एडिशनल थ्योरीज अभी मैं इसको मैं आपको 2 से 3 दिन में आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ताकि जो बच्चे सिर्फ रीडिंग रीडिंग करके जाना चाहें वो रीडिंग रीडिंग करके जा सकते हैं, एडिशनल थ्योरी बी, एडिशनल थ्योरी सी, ठीक है। ये बाकी सब रिवीजन क्लास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं देता जाऊंगा, बाकी सब आपके ग्रुप में है, आप ग्रुप जाइए और उसमें देखिए। आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर बात रह गई है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। रिवीजन क्लास में टाइम लगेगा, रिवीजन क्लास में टाइम लग रहा है, सो प्लीज़ उसके लिए आप मैसेज मत कीजिए कि सर जल्दी करवा दीजिए, पहले आप पोर्टफोलियो करवा दीजिए, आप फॉरेक्स करवा दीजिए। मैं बिल्कुल लाइन से कर रहा हूँ, अभी आज तक का स्टेटस है कि मेरा बिजनेस कॉर्पोरेट वैल्यूएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मैंने रिवीजन शुरू कर दिया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन जैसे कंप्लीट होगा मैं आपको दे दूंगा, फिर उसका हम करेंगे ईवीए, फिर मर्जर करेंगे, फिर हम करेंगे उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिर हम करेंगे फॉरेक्स, फिर हम करेंगे एडवांस कैपिटल बजटिंग, फिर हम करेंगे, इस तरह से हम पूरा रिवाइज आपको करा देंगे, लेकिन टाइम लगेगा। नवंबर वालों के लिए तो तैयार रहेगा मटेरियल, मई के लिए क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत शॉर्ट नोटिस में सब चीज़ें हो रही है। और आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, ये ए बी सी एनालिसिस मैंने मई 24 स्टूडेंट्स के लिए कर दिया है, बाकी मैं इसका प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कोई अगर बात मिस होता है तो आप मुझे मैसेज करके रिकॉल करवा सकते हैं @classbyaj में। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम होते ही इवनिंग में मेरा मैसेज और मेरा यूट्यूब वीडियो आएगा, 100% कवरेज फ्रॉम आवर मटेरियल, 100% मतलब मैं ये तीनों को मिलाकर 100% बोल रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। मैं आपको पोस्ट तो पहले ही कर दूंगा ना, एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि हमारे बुक से है, ठीक है, इससे आप कॉन्फिडेंटली और क्या कह सकते हैं। ऑल द बेस्ट।